बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि अगर वो एक DSLR या फिर एक बेटर कैमरा बाय कर लेंगे तो उनकी फुटेज अच्छी हो जाएगी। ओके, ये कुछ ढंग तक सही है, बट इट इज़ नॉट 100% ट्रू, बिकॉज इफ़ यू डोंट नो टू यूज़ लाइट्स प्रॉपरली, योर रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी सेम। सो अगर आप एक नया DSLR या फिर एक नया कैमरा लेने का प्लान कर रहे हो, सो वॉच दिस वीडियो, इट माइट सेव यू अ फ्यू रुपीज़। सो लेट मी टेल यू, मैं कैनन 200D यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत एक अच्छा कैमरा है, लाइक ये एक बजट कैमरा है, एंड मैंने इसके ऊपर 18-55 mm लेंस लगाई है, किट लेंस है ये, एक किट लेंस है और बहुत ज़्यादा बेसिक लेंस है। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस लेंस के अलावा मोबाइल से शूट करना प्रेफर करते थे, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा बेसिक लेंस है एंड इट डोंट गिव दैट गुड रिजल्ट। सो अब मैं 6400 ISO यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज लाइट सोर्स प्रॉपर नहीं है, मैंने रूम की नॉर्मल लाइट लगा दी है। ओके, सो टू टैकल दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, हम पहले तो रूम की लाइट्स ऑफ कर देंगे और ये यहाँ पे एक अम्ब्रेला लाइट है उसे ऑन कर देंगे। सो लेट्स स्विच ऑन इट। सो अब ये की लाइट है जो मेरे फेस के ऊपर पॉइंट कर रही है और एक बहुत अच्छी प्रॉपर लाइट है, इस वजह से मैंने मेरा ISO 100 कर दिया है एंड नाउ यू कैन सी बहुत ज़्यादा फुटेज क्लियर हो चुकी है, बिकॉज ISO 100 है। हायर ISO पे बहुत ज़्यादा ग्रेन्स विजिबल होते हैं बिकॉज वो आर्टिफिशियल लाइट होती है, एंड मिनिमम ISO पे इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। अगर आपके पास अम्ब्रेला लाइट्स या फिर कोई आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं है, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट नेचुरल सनलाइट। सो अब इस लाइट ने एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर दिया है मेरे फेस के ऊपर, एक साइड पे थोड़ा डार्क है और एक साइड पे लाइट है, सो दिस गिव्स यू अ गुड सेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, बट इस साइड पे थोड़ा डार्क है। सो ये साइड फिल करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं कि एक फिल लाइट और एक छोटी छोटा लाइट सोर्स यूज़ करते हैं, सो ये साइड थोड़ा फिल हो जाए, बट मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक रिफ्लेक्टर यूज़ करता हूँ। लेट मी शो यू। सो मैं क्या करूँगा, इस रिफ्लेक्टर को यहाँ रख दूंगा। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ ये रिफ्लेक्टर है, उसने पूरे शेडोज भर दिए प्रॉपरली, एंड नाउ आई एम प्रॉपरली लिट अप। सो इन दोनों लाइट के साथ एक थर्ड लाइट भी यूज होते हैं, दैट इज़ बैक लाइट, जो हमारे बैक की तरफ पॉइंट करती है, जिससे फुटेज थोड़ा इफेक्टिव दिखता है। बट मेरे पास कोई थर्ड लाइट सोर्स नहीं है, उसलिए मैं बैक लाइट यूज़ नहीं कर रहा, बट दिस टू आर ओके, एक अच्छी फुटेज आ जाती है। सो अब मैं प्रॉपरली लिट अप हो चुका हूँ, बट बैकग्राउंड थोड़ा खाली खाली लग रहा है। सो मैं क्या करूँगा, इस साइड पर RGB लाइट ऑन कर दूंगा और यहाँ पर मैंने LEDs लगाया है, उसको मैं ऑन कर दूंगा। सो अब फुटेज बहुत ज़्यादा ठीक ठाक हो चुकी है, बट एक प्रॉब्लम है कि मेरा जो शर्ट है वो बैकग्राउंड के कलर के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहा है। सो मैं क्या करूँगा, मैं कोई भी ब्राइट कलर का शर्ट पहनूंगा जो मुझे बैकग्राउंड से पॉप अप कर दे। सो मैंने ये शर्ट पहना है ऑरेंज कलर का, जिसकी वजह से मैं बैकग्राउंड के साथ मिक्स नहीं हो रहा और अब आपको फुटेज बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव दिख रही होगी। बट देयर इज स्टिल अ लास्ट थिंग रिमेनिंग एंड दैट इज कलर करेक्शन, एंड दैट गोज इन 3, 2, 1, गो। सो अब आप देख सकते हो कि ये फुटेज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। यू कैन सी की क्वालिटी मोबाइल के साथ भी लगभग सेम ही लग रही है। अगर आपके पास एक मोबाइल है या फिर एक कोई डिसेंट कैमरा है, सो अपने आप से पूछो कि आपको नए कैमरा की कुछ नीड है। अगर आप एक डिसेंट कैमरा बाय करने जाओगे तो कम से कम आपको 50-70,000 खर्च करने ही पड़ेंगे, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कम से कम की, लाइक कैमराज 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख के भी आ जाते हैं। उससे अच्छा मैं सजेस्ट कर लूँगा कि आप एक अच्छी लेंस खरीद लो, लाइट सेटअप खरीद लो, रिफ्लेक्टर, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, माइक। कभी भी आप कैमरे का इनबिल्ट या फिर मोबाइल का इनबिल्ट माइक्रोफोन मत यूज़ करना, उससे बहुत ज़्यादा हॉरिबल साउंड क्वालिटी आ जाती है। इससे अच्छा कि आप एक माइक्रोफोन बाय कर लो, 500 में एक आपको बजट माइक्रोफोन मिल जाएगा, और अगर आपके पास उतने भी पैसे नहीं है तो आप सिंपली आपके ईयरफोन्स होते हैं ना, उसका माइक्रोफोन यहाँ पे प्लग करके आप अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप फोटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप कर सकते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।